हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस YouTube चैनल में। और हम बात करने वाले हैं बेहद ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट को लेकर के। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि Google पर सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली महिला कौन बनी है। कहने का मतलब है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को मनाया गया, तो इसके मौके पर गूगल ने म्यूजिक, स्पोर्ट्स, कॉमेडी सहित इन चार क्षेत्रों में गूगल पर सबसे ज़्यादा बार सर्च की जाने वाली महिलाओं की एक सूची तैयार की है, जिसमें कौन कौन से शामिल हैं इसको लेकर के आज हम बात करेंगे। तो आइए यहाँ पर बात करेंगे हम कि म्यूजिक के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बार सर्च कौन की गई, तो टेलर स्विफ्ट। और ये रही टेलर स्विफ्ट, जो कि अमेरिका की पॉप गायिका हैं और गीतकार हैं। वही यदि बात करें कि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कौन सबसे ज़्यादा बार सर्च की गई, तो सेरेना विलियम्स, जो कि अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं। वही यदि बात करें कि कॉमेडी के क्षेत्र में कौन सबसे ज़्यादा बार सर्च की गई, तो अक्वाफीना है। और ये रही अक्वाफीना, जो कि अमेरिका की ये कॉमेडियन है। वही यदि बात करें हम कि साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बार कौन सर्च की गई, तो टोनी मॉरिसन। और ये रहे टोनी मॉरिसन, जो कि अमेरिका के ही साहित्यकार हैं। इनको वर्ष 1993 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही यदि हम अब बात करें गूगल को लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल सर्च इंजन है। इसके फाउंडर हैं सर्गी ब्रिन और लैरी पेज। कब लॉन्च किया गया था, तो 1997 में। मुख्यालय है कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में। CEO वर्तमान में कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।